तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है उन पर बड़ा आरोप जो है वो लगाया है। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा है कि एक बार फिर से मुझे पिताजी के साथ जाने से रोका गया है और यह काम जगदानंद सिंह ने किया है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तेज प्रताप यादव का फेसबुक पेज जहां पर वो ये बात लिख रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं, तेज प्रताप यादव ने लिखा है, एक बार फिर जगदानंद के द्वारा पार्टी को तोड़ने का और पिताजी के साथ चुनावी प्रचार में जाने से रोका गया है मुझे। ये बात तेज प्रताप यादव ने लिखी है। आपको बता दें कि आज लालू प्रसाद यादव कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे थे। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और जगदानंद सिंह एक ही हेलीकॉप्टर में तारापुर पहुंचे हैं और उसके बाद से कुशेश्वर स्थान में लालू प्रसाद यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। मगर इन तमाम चीजों के बीच एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने बड़ा आरोप जगदानंद सिंह पर लगाया है। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि मैं पिताजी के साथ चुनाव प्रचार में जाना चाहता था और पिताजी भी चाहते थे मैं उनके साथ में जाऊं, मगर जगदानंद सिंह ने एक बार फिर से पार्टी को तोड़ने का काम किया है और मुझे अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ जाने नहीं दिया है। इस वक्त की आप बात करें तो लालू प्रसाद यादव इस वक्त तारापुर में चुनावी प्रचार कर रहे हैं और इसके बाद से वो कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। जब से ये बात सामने आई थी कि लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करेंगे तब से ही लालू प्रसाद यादव विरोधियों के निशाने पर हैं और अब फिर से तेज प्रताप यादव ने पार्टी की परेशानी जो है वो बढ़ा दी है। बीते दिनों भी देखा गया था कि तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया था कि जगदानंद सिंह, सुनील सिंह और राजद के कई नेता ने उन्हें 10 सर्कुलर आवास में घुसने नहीं दिया था जब लालू प्रसाद यादव पटना आए थे और उसके बाद से तेज प्रताप यादव धरने पर बैठ गए थे और देर रात लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव के आवास पर आए थे जहां पर तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के पांव जो है वो दूध और पानी से पखारे थे, जिसके बाद से तेज प्रताप यादव खुश थे। सुबह में ही तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो शेयर किया था जहां पर वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ उन संघर्ष की कहानी सुन रहे थे जो उनके पिता ने काटी है, जो संघर्ष उनके पिता ने किया है, उन चीजों को लेकर के तेज प्रताप यादव ने अपने पिता के साथ चर्चा की थी। और अब तेज प्रताप यादव ने सीधा आरोप एक बार फिर से जगदानंद सिंह पर लगाया है कि उन्होंने फिर से एक बार पार्टी तोड़ने की कोशिश की है और मुझे चुनाव प्रचार में नहीं जाने के लिए पिताजी से ये बात कही थी। अब जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार के बाद से लालू प्रसाद यादव जब पटना आएंगे तब ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी उनकी और विरोधी किस तरीके से तेज प्रताप यादव की इस बात पर चुटकी लेंगे ये भी देखना बेहद अहम हो जाएगा। हालांकि इस वक्त तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनावी प्रचार कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।